15 तारीख को डीएसपी साहब हमको बुलाए सुपरविजन के लिए, वहाँ पर गए 15 तारीख को जी, वहाँ पर गए तो कोई यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। फिर हम एसपी साहब के पास गए 22 तारीख को, हम अपना आयो से बोले, वो बोलते हैं कि क्या आपका गाड़ी का खर्चा देती है क्या, आपका हम नौकर हैं बाप का, मतलब आपसे गाड़ी का खर्चा मांगा जाता है जब ये लोग जाते हैं आपके घर पे तो। हाँ, और नहीं तो बोलते हैं कि आप हमारे लिए बेटी पैदा किए हैं। इस तरह की आवाज ऐसा वो आवाज उठाई हमारा, जो हमारा केस का आयु है, क्या नाम है उनका, सुरेंद्र यादव, हमारा केस को आयु को यहाँ से सस्पेंड नहीं किया जाएगा, तब तक हम यहीं पर रहेंगे भूख हड़ताल। हाँ, भूख हड़ताल, हाँ, जब तक डीएसपी एसपी नहीं आएंगे, कोई नहीं सिद्ध करेंगे तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। आपका बाप का नौकर है क्या, बेटी हमारे लिए पैदा की है, ये आयु बोल रहे हैं, आयु बोल रहे हैं हमारा केस का, तो वर्दी कहाँ ला पहरे है, वर्दी उतार दीजिए उसका, हम यही चाहते हैं कि हमारे सिसवन थाने में वो नहीं रहेगा। बाला बाबू बोले कि जाइए आप, हम कल आएंगे, अभी तक बाला बाबू नहीं किए। ये बात कहिया बोले बाला बड़ा बाबू, कहिया बोले सरपंच, नहीं चार पाँच नहीं हुआ, आज 5-6 दिन हो गया बड़ा बाबू को बोले हुए जी, अब बड़ा बाबू गए अभी तक नहीं गए। अच्छा, यहाँ से आपका घर कितना दूरी पे है, कहाँ दूरी पे है, कितना 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कितना दूरी पे है, 1 किलोमीटर जी, तो 1 किलोमीटर बड़ा बाबू को जाने में मतलब 5 दिन लग गया। हाँ, 5 दिन लग गया। क्या नाम है आपका, नीतू देवी, नीतू देवी कहाँ की है, सिसवन का, तो ये क्या मामला आपके साथ थाना में लगी, थाना में लगी कि हमारे थाना पर 8 तारीख को मेरी लड़की सुबेरे गायब हो गई, 8 मई को, 8 मई को ठीक, 8 मई को हम 11 तारीख को FIR किए, 3 दिन बाद क्यों किए, सर बोले कि पहले पूरा खोज लीजिए कहाँ कहाँ अपना रिलेशन, हमारा जितना रिलेशन था वहाँ पर, जहाँ मैंने हमारा मन था वहाँ पर खोजे, कोई पता नहीं चला, तो हम 11 तारीख को आकर के FIR किए, FIR किए जी, FIR की कॉपी है जी, दिखला दीजिए थोड़ा, FIR की कॉपी थोड़ा सा दिखी है, ये FIR की कॉपी है जो कि 11 मई, किधर है डेट, किधर है, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 मई को FIR किया गया है। और ये क्या कुछ मामला है कि प्रशासन किस तरह से काम करती है और किस तरह से इनके साथ रवैया हुआ है, वो चीज़ हम दिखाने आए, क्या मतलब आपके गाली दे रही हैं आप यहाँ के प्रशासन को, व्यवस्था को, तो क्या कुछ सही है। देखिए, हम 15 तारीख को DSP साहब हमको बुलाए सुपरविजन के लिए, वहाँ पर गए 15 तारीख को जी, वहाँ पर गए तो कोई यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। फिर हम SP साहब के पास गए 22 तारीख को, तब आज हम 25 जब हम अपना आयु से पूछे कि क्या हुआ, वहाँ से क्या आपको सूचना मिला है, कुछ नहीं मिला है हमको सूचना, हमको कोई सूचना नहीं मिला है, तब कह रहे हैं कि आयु के पास जिला कप्तान, जिला कप्तान SP साहब से मुलाकात की है आप जी, हाँ जी, हो गया है 22 तारीख को, क्या बोले SP साहब, वो बोले कि आप जाइए कल कुछ होगा, आज 25 तारीख हो गया कुछ नहीं हुआ, हम अपना आयो से बोले, वो बोलते हैं कि क्या आपका गाड़ी का खर्चा देती है क्या, आपका हम नौकर हैं बाप का, मतलब आपसे गाड़ी का खर्चा मांगा जाता है जब ये लोग जाते हैं आपके घर पे तो। हाँ, और नहीं तो बोलते हैं कि आप हमारे लिए बेटी पैदा किए हैं। हाँ, इस तरह की आवाज, ऐसा वो आवाज उठाई हमारा, जो हमारा केस का आयु है, क्या नाम है उनका, सुरेंद्र यादव, तो मतलब आप क्या चाहती है अभी बिहार को, हम यही चाहते हैं कि जब तक ले हमारा केस को आयु को यहाँ से सस्पेंड नहीं किया जाएगा, तब तक हम यहीं पर रहेंगे भूख हड़ताल, हाँ भूख हड़ताल, हाँ जब तक DSP SP नहीं आएंगे, कोई नहीं सिद्ध करेंगे तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। मतलब चाह रहे हैं कि आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, जब तक DSP या आला अधिकारी नहीं आएंगे, किसी तरह का निर्णय नहीं लिया जाएगा, ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक आप यहाँ से नहीं हटेगा। जरूरी है कि सर जब पैसा हमारे लड़की ले लिए है, केस ले लिए है, तो हमारे लड़की को मरवा कर फेंकवा देंगे, जब उसके ऊपर हमारा पैसा जो जिसके ऊपर केस किए हैं वो पैसा उसको दे के दबा देते हैं केस। किनके ऊपर केस, हम दीपक कुमार और ज्योति देवी के पास। अच्छा, कौन कहाँ के, वो हमारा पत्रकार है सर, पत्रकार है। अच्छा, आपको शंका है जो मतलब आपको शंका है जो यही लोग मतलब अपहरण किए हैं। देखिए, शंका है कि 7 तारीख को हमको बात हुआ, जो लड़का ले गया उसका सोनू कुमार सिंह नाम है, कहाँ ले गया वो, माने सोनू कुमार सिंह नाम है, हमसे बात हुआ 7 तारीख को, ठीक है, वो बोले कि हम आपका लड़की से शादी करना चाहते हैं, सोनू कुमार जी, तो हम बोले कि देखिए आप तो उसका मामा लगेगा, रिश्ता में तो मामा लगेगा उसी कास्ट के जी, आप भी जादू है, नहीं हम
और 8 तारीख को हमारे लड़की नपाता हो गई। 8 तारीख को अभी तो अभी तक कोई थाना दे ठकाना कोई नहीं आया हमारे पास, क्या लगे क्या पूछताछ करने के लिए, नहीं तो उल्टा हमको गाली गलौज करता है। अच्छा, साफ तौर पे एक चीज कहा जाए तो प्रशासन के तरफ से या फिर सिसवन थाना के तरफ से जो मतलब सहूलियत या फिर जो चीज हेल्प मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। थाना इसमें कहीं ना कहीं संदेह के आधार पे या फिर जो नामजद आपने FIR दिया हुआ है अच्छा। उसके आधार पे किसी को उठाने का या फिर किसी से पूछताछ करने का काम किया? नहीं किया अभी तक कोई नहीं गया है हमारे दरवाजे पर। जा रहे हैं तो तेल के खर्चा मांग रहे हैं? हाँ, मतलब आपसे तेल का खर्चा कि हम जा रहे हैं आपके द्वार पर अगर गाड़ी जा रही है थाने की तरफ? हाँ, तो हम ही जाएंगे। आपका बाप का नौकर है क्या? जो गवर्नमेंट बोले है कि आपका बाप का नौकर है क्या? बेटी हमारे लिए पैदा की है। आयु बोल रहे हैं हमारा केस का, तो वर्दी कहाँ पहन रहे हैं? वर्दी उतार दीजिए उसका। हम यही चाहते हैं कि हमारे सिसवन थाने में नहीं रहेगा। अच्छा, इस मामले पे आपने यहाँ के थाना प्रभारी हैं कैप्टन शाहनवाज, उनसे मुलाकात की? जी नहीं। कहे बड़ा बाबू से आए थे हम सब? बड़े बाबू के बोल रहे हैं, बड़ा बाबू से मुलाकात नहीं? हाँ, किए हैं। क्या बोले बड़ा बाबू? बड़ा बाबू बोले कि जाइए आप, हम कल आएंगे। अभी तक बड़ा बाबू नहीं किए। ये बात कहिया बोले बड़ा बाबू? कहिया बोले? नहीं, 5-6 दिन हो गया। बड़ा बाबू बोले हुए जी? बड़ा बाबू गए? अभी तक नहीं गए। अच्छा, यहाँ से आपका घर कितना दूरी पे है? कहाँ दूरी पे है? कितना? 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कितना दूरी पे है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जी। तो 1 किलोमीटर बड़ा बाबू को जाने में मतलब 5 दिन लग गया? हाँ, 5 दिन लग गया। ठीक है, और क्या कहिएगा? और कुछ कहिएगा जो कहीं ना कहीं अगर SP साहब नहीं सुन रहे हैं तो सारण प्रमंडल के DIG साहब हैं, DGP है, उन लोगों से या फिर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार है जो कहते हैं कि महिलाओं के कहीं सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो उनसे क्या कहिएगा चैनल के माध्यम से हम लोगों के? यही कहेंगे कि ये पहले इसको हटाया जाए। हाँ। मतलब पहले हटाना जरूरी है कि आपके बोलने में इंसाफ जरूरी है? इंसाफ हो जरूरी है, यही जरूरी है सर। मरी के आज हमको गाली दिए, आपको बेटी बहन आएगा तो वही गाली देंगे? बोलिए। अच्छा, गाली दे रहे हैं तब? क्या बोल रहे हैं गाली? बोल रहे हैं कि हमारे लिए लड़की पैदा किए हैं आप, क्या उसका कानून में यही लिखा है? क्या नाम बता दीजिए अपना? हमारा नाम नीतू देवी है। घर? सिसवन। लड़कियां का नाम? रोशनी कुमारी। कितना? ये 16 साल एज है उसका जी। पढ़ती है? हाँ। क्या क्लास में? 9th पास कर ली है। 10th पास कर ली? हाँ। अच्छा, आपने पूरे रिश्तेदार वगैरह के यहाँ फोन किया तो कोई सूचना नहीं मिली? हमारे घर पर आ गए हैं। कोई सूचना नहीं मिला?